सुरक्षा द्वारा विक्टिम को 310 डिग्री जीव तक सेट किया जा सकता है। इसमें एलईडी लाइट होने के कारण अंधेरे में आसानी से सेट किया जा सकता है। इंस्पेक्शन हॉल बन जाने के बाद VLC विक्टिम लोकेटिंग कैमरा द्वारा सेट किया जाता है। तिवारी के पास तिवारी जी मास्क इससे बात भी कर सकता है, ये साउंड भी कैप्चर करता है और इमेजेस भी। अदर कैमरा जो थर्मल इमेज भी कैप्चर करते हैं, एंड वी हैव कैमरा जो अंडर वाटर भी चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन था सर, दिस मे नॉट वर्क अंडर वाटर, दिस वर्क तो हसीब साहब इन SDRF दे हैव अंडर वाटर कैमरा, जी सर, दे हैव अंडर वाटर कैमरा। आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके बैनर तले मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की जा रही है। अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स का रिस्पांस कैसा होना चाहिए, पोस्ट अर्थक्वेक क्या रिस्पांस होना चाहिए हमारा, उस सिलसिले में NDRF और SDRF के इश्तराक से और जो दिगर लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, PHE है, PDD है, तमाम जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनका इसमें रोल बनता है, वो सभी मिलकर एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम अपना प्रिपेयर्डनेस लेवल चेक करें। अगर आप 2014 फ्लड्स की बात करेंगे, वहाँ से आगे बढ़कर हमें उस तरीके की डिज़ास्टर जो 100 साल में कभी एक बार आती हैं, उसके लिए हम तभी प्रिपेयर हो सकते हैं जब हम अपनी प्रिपेयर्डनेस वक्तन फक्तन चेक करते रहें। तो सर कितनी प्रिपेयरनेस आज आपने देखी इन डिपार्टमेंट्स की? देखिए डिपार्टमेंट्स, पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अब यहाँ पर SDRF फुल फ्लेज्ड उनका यहाँ ऑफिस है और हसीबुर रहमान साहब कमांडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद कंट्रोल रूम के इंचार्ज आमिर साहब भी यहाँ पर हैं। हमारे नोडल ऑफिसर SDRF डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हनीफ बल्की साहब भी यहाँ पर हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मेन पावर हमारे पास मौजूद है, ट्रेंड पर्सनल हैं। और मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि नेशनल लेवल पर जो डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस में कम्पटिशन हुए हैं उसमें SDRF J&K ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो ये आपके सवाल का जवाब इसी में है कि हम कितना तैयार हैं। लेकिन फर्स्ट पोजीशन परमानेंट नहीं रहती। फर्स्ट पोजीशन किसी मॉक ड्रिल में लेने के बाद एक्चुअल डिज़ास्टर कम्बैटनेस में फर्स्ट पोजीशन लेना ज़रूरी होता है। और हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है, ट्रेंड मैन पावर मौजूद है और दिगर फर्दर जो इक्विपमेंट हमें चाहिए उसके लिए भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं। और लगातार जो मॉक ड्रिल हो रही है, देखिए इसमें अगर कोई ये समझे कि SDRF का होना, NDRF का होना और पूरी टीम्स का होना और इक्विपमेंट का होना, ये प्री कंडीशन ज़रूर है, लेकिन डिज़ास्टर से कम्बैट करने के लिए हम सबको मिलकर एज ए सोसाइटी काम करना पड़ेगा। हमारे लोग खुद कितने ट्रेन हो सकते हैं इसमें और सब मिलकर कितना उसमें काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर अभी कोविड की क्या सिचुएशन है, जो नया वेरिएंट आया है? देखिए कोविड का वेरिएंट जो है उसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि J&K में अभी तक कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस नहीं आया है। हमारे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स